सवाल है, उसका जवाब ये कि अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव प्योर मिल्क अवेलेबल. दैट इज द डायलेमा, दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ दिस मॉडर्न टाइम्स. हमारे बच्चों को खालिस दूध अवेलेबल नहीं. हमारे बच्चे, सॉरी मैं आपकी बात दोबारा काट रही हूँ. सो अगर हम वही जो दूध गवाले से लेते हैं उसको नेचुरल घर में जो योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं और चीज में कब जब कन्वर्ट करते हैं, सो शुड वी यूज दोस थिंग्स मोर? और हम उसको बेचते थे ना, जो हमारा आके वहाँ पिक करता है दूध. आई न्यू कि यहाँ से जाने के बाद क्या करता है. मुझे बड़ा दुख होता था यार, देखो हमने इसको प्योर चीज दी है एंड ही गोज इन क्या क्या चीजें डालता है, वो नहीं नेम इट, इट्स अनबिलीवेबल. हाई कोर्ट में केस हुआ था नेस्ली के खिलाफ, इन विच नेस्ली एडमिटेड दैट दे वर पुटिंग फॉर्मेल्डिहाइड अमंगस्ट अदर थिंग्स इन द मिल्क. सो वो आपको तो पता होगा, यही फॉर्मेल्डिहाइड हमारे हमारी अपना ये जमीनों के सामने थोड़ा सा आगे जाए, जो लैंड है मेन रोड है मुल्तान रोड, थोड़ा सा आगे जाए तो पूरी शॉप है वो फॉर्मेल्डिहाइड से बेचती है. ग्वाले वहां से मैं ये क्यों है, वो ग्वाले लेते हैं आगे. देखिये पहली बात तो ये, मुझे आप मिल्क की जरूरत नहीं है सिर्फ बच्चों. हाँ ये अब जो डिबेट है कि जो कोई बड़ों को तो दूध पीने नहीं चाहिए, ये जरूरत नहीं है हमको. ये भी सही है, इसके बारे में फैक्ट है. We don't need milk, we should not drink it. 90% of us are lactose intolerant. अगर हमें we become lactose intolerant as we age. Some become lactose tolerant at an early age, some become lactose tolerant at a later age. ठीक है जी, तो अगर वो हमें इतना जरूरी चाहिए होता तो हम लैक्टोस इंटॉलरेंट बनते ही ना. बच्चों को चाहिए होता है, ठीक है, तो आप दूध छोड़ देते हैं. पर बच्चों के लिए जैसे आपने बात किया, क्या करना चाहिए, कि मैंने छोटी सी पहले बात की फलां से ले लें, डेट इज इमटीरियल, वो तो चार घर ले लेंगे. एज ए पब्लिक हम क्या करें? मेरे नज़दीक द बेस्ट सोल्यूशन इज ग्वाले का दूध इज अ नो, इट इज कॉन्टेमिनेटेड, इट इज रैंक बैड थिंग. नेस्ले का दूध इज अ पॉइजन, इट इज एक्चुअली मेकिंग द होल वर्ल्ड सिक. नेस्ले का मतलब ऑल दीज पैकेज मिल्क्स, ऑल दीज होमोजेनाइज मिल्क्स. ये जो सारी इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस बढ़ गई हैं उसमें मिल्क का बहुत बड़ा रोल है. पेप्सी के अलावा तो मिल्क का और ये पैस्टराइज्ड मिल्क, हां जी, पैस्टराइज्ड मिल्क इज इक्वली बैड, नॉट एज बैड एज होमोजेनाइज्ड, नॉट एज बैड एज होमोजेनाइज्ड, बेटर देन दैट बट नॉट एज बैड. उसमें द बेस्ट थिंग इज आई सजेस्ट के यहाँ एक डेवू के बस टर्मिनल के साथ इज अ मिल्क एजेंसी, वो बड़े बड़े सैक्स दूध के बेचते हैं. वहाँ से आप स्किम्ड मिल्क पाउडर, नॉन इंस्टेंट पाउडर ले लीजिए स्किम्ड, वो आप डिपेंडिंग ऑन हाउ थिक यू वांट टू मेक योर मिल्क ट्राई आउट कर लें, बच्चों को ना बताएं और उसका जायका उसमें ज़्यादा कम करने से चेंज कर लेंगे. आप थोड़ा मीठा हो जाएगा, ज़्यादा डालेंगे तो कम, डालेंगे तो कम मीठा होगा. उसको विस्क करें, जितना दूध आपको सुबह चाहिए वो बना लें. वो खत्म हो चुकी है बात, वो अब एरेट हो गया है, ये हो गया, वो नाउ इट इज प्रॉपर अपना लैक्टोज, नाउ इट इज प्रॉपर मिल्क प्रोटीन विद ऑल दोस थिंग्स, एक्सेप्ट द फैक्ट आप स्किम्ड ले रहे हैं, अपना फुल क्रीम मिल्क ना लें. That is the best. It's, until you have recourse to your own house. Imported powder milk. Imported के imported ले ले वरना नूरपुर का भी ठीक है. मतलब कोई भी. Non instant, no. हाँ जी बेटा. नहीं बेटा नहीं, वो पैकेट वाला नहीं है. ये आपको आपने नहीं देखा होगा, ये बड़े बड़े सैक्स में मिलता है. 10-10 किलो की सैक होती है, 20 किलो की सैक होती है. ये ग्वाले वगैरह खरीदते हैं और ये अपने दूध में मिक्स करते हैं. हमारे पास गाय है फैक्ट्री में, मैंने रखी हुई, उधर से बहुत दूध आता है अपना सारा. बट माई वाइफ शी ड्रिंक्स मिल्क पैक. जस्ट वॉट जी ना मिल्क अगर आपके पास, ये गलत ट्रेजेडी है ना कि लोग अब टेस्ट और वो जो उसकी वो पतला होता है वो होता है मिल्क पैक, जरा थिक है और उसका एक टेस्ट है उसका, चाहे उससे उतना से होमोजेनाइज मिल्क है. इसको मैं तो नहीं वो पीता, बहुत अच्छा करते हैं. इट्स कॉज ऑफ ऑल अगर इफ यू मैनेज टू गेट प्योर मिल्क तो वो मैं पूछती हूं बच्चों को कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए. बच्चा आज प्रॉब्ली आई थिंक
हाफ अ लीटर अ डे एक ग्लास ऑफ वाइन शाम दो अप टिल व्हाट एज अप टिल 12 14 15